लगाए जा रहे हैं इस साइड में। क्रेन मशीन लगी हुई है, हैवी हैवी और वर्क करती हुई। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं खड़ा हुआ हूं मेरठ रोड पर और ये जा रहा है राजनगर एक्सटेंशन के लिए। बिल्कुल सीधा सीधा ये बस जा रही है निकल के, और अगर हम राइट में जाते हैं तो मेरठ के लिए चले जाएंगे और लेफ्ट में जाते हैं तो गाजियाबाद के लिए चले जाएंगे, जो कि न्यू स्थल मेट्रो स्टेशन है। और अगर हम वापसी जाते हैं तो हम चले जाएंगे NH24 के लिए, जो कि हापड़चुंगी होते हुए NH24 पे निकल जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ गाजियाबाद का स्टेशन कितना बन चुका है, कितना बाकी है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपको वहीं चलकर दिखाएंगे। और आपको बता दूं कि यहाँ पर लाइन बिल्कुल, आपको बता दूं कि ट्रैक स्लैब भी डल चुके हैं इस पर और ट्रैक भी डाल दिया गया है, और इस पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगा के इस पर लाइन भी लगा दी गई है, इलेक्ट्रिक की लाइन भी इस पर बिछा दी गई है। गाइस क्या कितना कुछ वर्क हो चुका है RRTS पे, वो आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए केपी संत के साथ में और आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं। गाइस तो देख सकते हैं ये हम चलने लगे हैं गाजियाबाद की साइड में, और ये दोनों तरफ फ्लाईओवर बना है और बीच में ये RRTS की लाइन जा रही है। ये देख सकते हैं ये बीच में ये RRTS की लाइन है और दोनों साइड में ये फ्लाईओवर है, क्योंकि पहले ये फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था यहाँ पर, इस चौराहे पर बहुत ज़्यादा जाम लगा करता था, तो इस वजह से इसको मद्देनज़र रखते हुए इसके दोनों साइड में फ्लाईओवर बनाया गया है। और आपको बता दूँ कि ग्राउंड लेवल पर ये जो RRTS का काम है वो आपको बता दूँ, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों से कि इस पर जो बीच का डिवाइडर है वो लगाने का काम चल रहा है। इस पर ये डिवाइडर लगाया जा रहा है नीचे, और ये डिवाइडर लग जाने के बाद में इस पर मिट्टी भर दी जाएगी, और मिट्टी भर जाने के बाद में इस पर प्लांटेशन किया जाएगा। तो आज आपको पूरा ही क्लियर करके बताएंगे। और आपको बता दो ये सेफ्टी बोर्ड हटाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है। इस पर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन भी, मतलब जो तार हैं वो भी लगा दिए गए हैं, तो ज़्यादा काम तो नहीं बचा है, अब थोड़ा बहुत ही बचा है इस लाइन पे, क्योंकि अगली साल इन्हें मार्च में इस पर रैपिड रेल चलना स्टार्ट हो जाएगी। 17 किलोमीटर का पार्ट है ये और पैकेज फर्स्ट है ये, देख सकते हैं ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं अभी। और आपको बता दूं कि कहां कहां सेफ्टी बोर्ड हटा दिए गए हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बने रहो केपी संत के साथ में और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो। ये आ जाता है DPS चौराया, मारुति का शोरूम है यहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्क चल रहा है RRTS पे। और ये चौराया आ चुका है गाजियाबाद पुराने बस अड्डे पर जाने के लिए, लेफ्ट में चले जाएंगे, इसको लोहिया नगर चौक बोला जाता है, लोहिया नगर पटेल नगर गाजियाबाद। देखिए सेफ्टी बोर्ड हटा दिए गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये बीच का डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है। पर यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है गाजियाबाद का स्टेशन, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। इस पर गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है और ये इस पर फ्लोरिंग का काम किया गया है, इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है।
तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से। इस पर सारे पे गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है। देख सकते हैं आप लोग कि इधर फ्लोरिंग का काम चल रहा है, उधर ये गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से। ये देखिए, ये सारे पे गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है और इस पर आप फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। तो ये गाटर को एक दूसरे से जोड़ने का काम चल रहा है, ये देख सकते हैं। और अब चलते हैं आगे, आगे दिखाते हैं। ये देख सकते हैं। और आपको बता दूं गाइस, ये जो धान आ रहे हैं ये इस साइड में तो है एफको द्वारा बनाया जा रहा है, और उस साइड का है केसी द्वारा जो स्टेशन बनाया जा रहा है। गाटर लॉन्चिंग यहाँ पर कर दी गई है सारे में, ये देख सकते हैं। एक दो तीन चार, यानी कि चौथे फ्लोर पर इस पर RRTS का स्टेशन बनाया जा रहा है, चौथे फ्लोर पर गाइस। और आपको बता दूं, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें कि यहाँ पर ये जो टीन सेट का काम है वो खंभे लगाए जा रहे हैं, ये क्रेन मशीन लगी हुई है, ये देख सकते हैं, ये बनाए जा रहे हैं खंभे। खंभे लगाने का काम चल रहा है, इसमें फ्लोरिंग का काम चल रहा है और इसमें आर्म जोड़ने का काम चल रहा है। और इधर देख सकते हैं, ये है रेड लाइन, शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद न्यू बस अड्डा। ये रेड लाइन को यहाँ से इसको जोड़ दिया जाएगा दोनों को। और यहाँ पर ये इंडियन आर्मी की ये तोप लगाई गई है, देख सकते हैं ये मशीन। ये है रेड लाइन का स्टेशन, ये रेड लाइन का स्टेशन है, इसको भी जोड़ा जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसको दिखा देते हैं, RRTS का स्टेशन। देखो इस पर ये जोड़े जा रहे हैं, जो इसका टिन सेट बनाया जाएगा ऊपर उसका वर्क चल रहा है। और देख सकते हैं ये लेबर कितनी सारी लगी हुई है। ये लेबर लगी हुई है यहाँ पे जो वर्क कर रही है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है स्टेशन, जो कि इसमें आम से अभी जोड़े जाएंगे, ये देख सकते हैं तस्वीर है। और ये पिलर अभी जोड़े जा रहे हैं क्योंकि ये रेड लाइन से कनेक्ट किया जाएगा, तो इस वजह से ये बनाया जा रहा है। इसको एग्जिट के लिए और इन करने के लिए यही वर्क चल रहा है अभी गाजियाबाद के स्टेशन पर, देख सकते हैं। तो इस पर बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है, अभी चल ही रहा है, फ्लोरिंग हो चुकी है, इसमें जोड़ने का काम चल रहा है। और इसके जो ऊपर टीन सेट बनाया जाएगा उसको देखिए, वो पिलर लगाए जा रहे हैं, वो देख सकते हैं, कोई क्रेन मशीन लगी हुई है और वो पिलर जोड़ने का काम चल रहा है, इधर भरने का काम चल रहा है, ये देख सकते हैं तस्वीरें। ये देखो बस यही भरा जा रहा है, अभी तो यही काम चल रहा है और फिर जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएगा। ये इस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है गाइस। ये देखो ये बनाया जा रहा है, अब दिखाते हैं आगे चल के आगे कितना कुछ काम हो चुका है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए, ये है रेड लाइन और वो है फ्लाईओवर, तो इसको एक दूसरे से करवाया जा रहा है। और ये स्टील के गाटर लगाए गए हैं इधर की साइड में, देख सकते हैं दोनों साइड में। अभी घूम के आएंगे जब आप लोगों को दिखाएंगे गाइस, ठीक है। तो ये देखिए, अब इधर से आप लोग देखो इस गाजियाबाद के स्टेशन को, सामने से धूप पड़ रही है तो इस वजह से क्लियर नहीं चमक रहा है। तो इसको अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है ऊपर, और इसको स्टेयर बनाने का काम चल रहा है, ये आर्म्स को जोड़ने का काम चल रहा है, अभी इतना ही वर्क चल रहा है।
इस गाजियाबाद के स्टेशन पर। तो लगभग अभी इसमें 50-60% काम हो चुका है, 50-60% अभी बाकी बचा हुआ है कि इस पर दो कंपनियां बना रही है इस स्टेशन को। KEC द्वारा ये स्टेशन बनाया जा रहा है और आपको बता दूं कि इस पर जो एफको कंपनी है वो इसकी उस वाली लाइन को जोड़ रही है। तो जैसा कि वो जोड़ रहे थे, देखो ये यहाँ से ये जो पिलर हैं ये लेफ्ट वाले, ये देखिए ये एफको कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं और इधर KEC द्वारा बनाए जा रहे हैं, इधर ये KEC द्वारा बनाए जा रहे हैं। इस साइड में क्रेन मशीन लगी हुई है, हैवी हैवी और वर्क करती हुई, देखो आप लोग तस्वीरें। तो बस यही है नज़ारा और आप चलते